हिमाचल में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें हिमाचल कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। हिमाचल में कांग्रेस की वापसी के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए उस पर मंथन हुआ और जब बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा पूरी तरह धन बल का प्रयोग कर रही है और हर तरह के हथकंडे जीतने के लिए अपना रही है। महंगाई पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है जिसके कारण जनता बहुत त्रस्त है, जिसका जवाब आगामी चुनावों में जनता भाजपा को देगी। इस चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भाजपा को अपने शीर्ष नेतृत्व पर ही यकीन नहीं है, तभी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को हटाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आगामी चुनावों का प्रभारी बनाया गया। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के कार्यों को देखकर भाजपा के हाथ पांव फूल गए हैं, इसलिए इस तरह की खलबली भाजपा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के दोनों आला नेताओं से बात करके पता चला कि अगली चुनावों के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। सोनिया जी ने किया पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो प्रोमिनेंट लीडर्स से हाथ चल के उनको रखा गया था, तो उसकी पहले तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और आज जो हमने इसकी फिजिकल मीटिंग की, जिसमें सारे लोगों को से के विचार लिए। मुद्दा जो मुद्दे थे जो तो चार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है वो, और दूसरे जो है वो आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि हमने अभी से सब तैयारियां शुरू कर दी। माहौल अच्छा है, फीडबैक हमें अच्छा आ रहा है और हमें लगता है निश्चित रूप से हमारी जीत जो है हिमाचल प्रदेश में होगी, हमारी सरकार यहाँ हर हालत में बनेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ इतनी चीजें हैं कि अगर हम दसियों घंटे भी बोलें तो खत्म नहीं होने वाली है। और जो विकास का कार्य हमारी पिछली सरकार ने किया था जो चार साल पहले थी, उसकी कुल साली ने कोई मुकाबला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आगे बनेगी। उसकी जो प्रक्रिया है उसके पहले कि वो सारा काम चल रहा है और बड़े बड़े सारे लोगों को एकजुट होकर इसमें लगने के लिए अनुरोध किया है, और सारे लोग पूरे मन से जितने हमारे नेता है वो जो है एकजुट होकर इस काम पे लगने वाले हैं। और इस पूरा इलाका हमें लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। पंजाब में हमारी जीत की पूरी उम्मीद है, हिमाचल में जीत की उम्मीद है, उत्तराखंड में जीत की उम्मीद है, हरियाणा में भी आगे जब चुनाव होगा तो वहां भी कांग्रेस ही है।